वो रहने वाले महलों की। सुरेखा तुम क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं जी, मत बोलिए बीच में, मुझे जो कहना था तो मैं कह चुकी हूँ। जिनको सुनना था उन लोगों ने सुन लिया। सुन लिया और समझ भी लिया। माँ, बहुत भरोसा था मुझे आप पर। पर चलो रानी। राज, पागल हो गया है तू? चल घर के अंदर चल तू। अरे गुस्से में ऐसे फैसले नहीं किए जाते। मत बोलिए। देखो तू जा, बाद में बात करेंगे। चल पापा प्लीज, अगर गुस्से में फैसले सुनाए जा सकते हैं तो गुस्से में फैसले लिए भी जा सकते हैं। और वैसे भी अब बचा ही क्या है बात करने को, रानी को छोड़ तो बना ही दिया इन लोगों ने। और अगर इस घर में चोर बसने लगे तो इस घर की मुश्किल और भी बढ़ जाएंगी। अब हम यहां नहीं रहेंगे। रानी चलो, रानी चलो, तुम यहां खड़ी क्यों? चलो चलो रानी। मेरी बात सुनो राज। रानी। राज, 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 राज कहाँ जा रहे हो तुम? पता नहीं, हम कहीं भी चले जाएंगे पर अब यहाँ नहीं रहेंगे। राज, गुस्से में उठाए गए कदम के लिए अक्सर बाद में पछताना पड़ता है। दीदी मुझे पछतावा मंजूर है पर कोई मेरी रानी पर गलत इल्जाम लगाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राज रुको, राज इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले आप लोग एक बार सोच तो लेते। हाँ भाई, मान लिया कि तेरे लाडली भाभी पर मैंने झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन सलोनी ये भी मत भूलना कि गहने उसी की अलमारी से मिले। और राज की नौकरी की कहानी मैंने झूठी नहीं बनाई। अरे कम से कम जो देखा सुना उस पे तो विश्वास कर ले। रहने दीजिए भाभी, मैं हर रोज देखती हूँ और सुनती हूँ आपकी बातें, और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप रानी भाभी से कितना जलती हैं। बस बस, माना तेरी बहुत मदद की है उसने, लेकिन ये भी मत भूलना कि चोरी भी उसी ने की है। रानी भाभी और चोरी इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर लगता है कि रानी भाभी की कब्र में जूड़ी आपने ही रखी होगी। चुप रहो सलोनी। माँ देख ले कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। भैया अगर सच कहना बदतमीजी है तो हाँ मैं बदतमीजी कर रही हूँ। सलोनी बस कर, क्यों बात को बढ़ावा दे रही है? जिस रानी भाभी के ऊपर आप लोग चोरी करने का इल्जाम डाल रहे हैं ना, वो रानी भाभी इस ज्वेलरी के साथ अपने मायके में बहुत बार खेल चुकी है। बदकिस्मती ना जो वो इस घर में आई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पुराने शौक पूरे करने के लिए उसे चोरी करने की आदत पड़ गई हो। भाभी ये सब आदतें ना आपने अपने मायके से सीखी होंगी। रानी भाभी के बारे में उल्टी सीधी बात करने की आपको कोई जरूरत नहीं है।
बड़े घर की जो है वो। हाँ वो बड़े घर की है, बड़े संस्कारों वाली है, बड़े दिल की है, आपकी तरह नहीं, छोटे घर की, छोटे दिल की और घटिया ख्यालों वाली। सलोनी खबरदार, अगर आरती के खिलाफ एक और शब्द मुंह से निकाला तो खबरदार। क्या क्या घटियापन किया मेरी बीवी ने? हाँ क्या घर का सारा काम नहीं करती? क्या अच्छी बहू होने का फर्ज नहीं निभाती वो? अरे इस बिचारी ने तो राज के झूठ में उसका साथ दिया और उन दोनों ने क्या बदला दिया पता है तुझे? मुझे तो आदत ही पड़ गई है, बातें सुनने की और ताने सुनने की। आरती, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद फिर कभी इस घर में किसी ने भी आरती के साथ ऊंची आवाज में बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई? समझ गई? राज, आज बात बिगड़ी है तो कल संवर भी जाएगी। माना कि माँ ने गुस्से में कुछ कह दिया है तो तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? नहीं दीदी, माँ ने इसके पहले भी बहुत सी बातें की थी जो गलत थी। मेरा और रानी का रिश्ता तोड़ना चाहा। सलोनी वाले मामले में तो रानी की चरित्र पर भी उंगली उठा दी थी उन्होंने। मैंने सब सुना भी और सहा भी, पर आज रानी पर चोरी का इल्जाम। नहीं दीदी नहीं, मैं आज के बाद उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम उस घर में वापस मत जाना, लेकिन यहां तो रह सकते हो ना? नहीं दीदी, मैं नहीं चाहता कि मेरे और रानी की वजह से आपको भी दो बातें सुननी पड़े, कहीं आप लोग भी उनके लिए पराए हो गए तो। राज ऐसी बात नहीं, तुम प्लीज जीजू, इतनी बातें सुनने के बाद आप मुझसे कैसी बातों की उम्मीद रखते हैं? ठीक है राज, अगर तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए पास ही कहीं अच्छा सा। मैं यहां से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ, मैं अब सोसाइटी में नहीं रहूंगा। राज क्या हो गया तुम? बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे हो, कहाँ रहोगे तुम, क्या करोगे? राज मत भूलो कि रानी तुम्हारे साथ है। राज राज क्या खिलाओगे इसे, कहाँ रखोगे इसे, डिपॉजिट रेंट सब बहुत मुश्किल है। राज राज मेरी बात मानो तो केलकर साहब के घर की चाबी मेरे पास है, वो दुबई सेटल हो गए हैं, उन्होंने अपना घर किराए पर देने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। राज फिलहाल तुम वहीं रहो, डिपॉजिट की बात मैं खुद उनसे कर लूंगा। प्लीज राज, राज इस वक्त सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, प्लीज मना मत करना अभी। राज प्लीज। Good.
कभी कोई शिकायत नहीं करती हो? तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं? कोई अरमान, कोई सपने? किस मिट्टी की बनी हो रानी? अरे कभी तो लड़ो, कुछ शिकायत करो कि मैंने तुम्हें कितने दुख दिए हैं। अरे कुछ तो बोलो कि मेरे साथ रहते रहते तुमने कितनी मुसीबतें झेली हैं। हर बात को चुपचाप क्यों सह जाती हो रानी? रानी तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? क्या देखा तुमने मुझमें? ना घर ना स्टेटस, फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। महलों से चौल, चौल से छोटे घर का सफर करते करते तुम थकी नहीं, तुम टूट नहीं गई रानी। रानी इस घर की छत, इस घर की दीवार पर हमारा कोई हक नहीं है, यह किसी और की है। अरे हमारा तो आने वाले कल पर भी कोई बस नहीं है, और मैं तो ये तक नहीं जानता कि मैं कल को तुम्हें दो वक्त की सूखी रोटी खिला भी पाऊंगा कि नहीं। फिर क्यों मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हो? Why? क्यों अपने कदम जख्मी कर रही हो मेरे साथ चल के? Why? Tell me, why? बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, है जिंदगी तूने ये क्या किया? टूटा है मन दर्पण, कैसी है ये उलझन? तकदीर में जाने है क्या लिखा? तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमा दिल में रह गया। इतने हम दूर कैसे हो गए हो? दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। करे अमित का, कम से कम राज और रानी के रहने का बंदोबस्त तो कर दिया। बेचारे कहां जाते, कहां भटकते भटकते। हे भगवान। सुरेखा, आज मैं एक बात कहूंगा, तुम सब ने मिलकर मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाया। मेरे धैर्य की भी एक सीमा होती है, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा। तुमने जो कुछ भी किया है ना, उससे मेरा दिल बहुत दुखा, बहुत। तुमने रानी को घर से बाहर कर दिया, जिसने घर की इज्जत के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। रानी रोज मुझे रामायण पढ़ के सुनाती थी, मजे की बात देखो, वनवास प्रसंग ही चल रहा था, तुमने राम और सीता को फिर से वनवास में भेज दिया। अरे कैकेयी ने तो अपने सौतेले बेटे को भेजा था, और तुम अपने बेटे को भेज दी राज को? ये भी नहीं सोचा कि उसके पास ना नौकरी है, ना पैसा है, ना खाने को है, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे जिएंगे वो लोग? बस कीजिए ना, बस कीजिए। आपको लग रहा है ना कि उन दोनों को घर से निकाल कर मैं तो बहुत सुख में हूं। बैठिए जरा यहां, मैं आपको एक बात बताती हूं। बताओ। आपको पता है ये जो पेट की भूख होती है ना, पेट की आग, अरे ये तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपमान की आग जो होती है, वो आग इंसान को ना जीने देती है और ना मरने देती है। और मेरे बच्चे रोज इस अपमान की आग में जल रहे थे, रोज। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन रहने दीजिए ना, आप नहीं समझेंगे। क्या जरूरत थी दिल पर पत्थर रखने की? रानी पर लगाए हुए आरती के गलत इल्जामों का साथ देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जरूरत थी जी, जरूरत थी। क्या जरूरत थी? ताकि रानी के ऊपर और इल्जाम ना लगे,
मेरे बच्चे की नौकरी क्या चली गई, उस पर तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। मनोज और आरती मेरे बच्चों के बड़े भाई भाभी हैं ना, उनका क्या फर्ज बनता था जी कि ऐसे मौके पर उन दोनों बच्चों को सहारा दे। लेकिन नहीं, मनोज और आरती ने तो उल्टा ही किया, अपमानित करके बच्चों को बेसहारा कर दिया। अब ये सब कुछ मैं क्या देखती नहीं थी। दिल दुखता था जी, मेरा दिल दुखता था, लेकिन आपकी तबीयत की वजह से, सिर्फ आपकी वजह से वो दोनों बच्चे चुपचाप रहते थे, उफ नहीं करते थे, मुंह से मुस्कुरा देते थे। लेकिन वो दोनों पे कब तक बर्दाश्त करते, आप खुद सोचिए। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा है अगर दोनों इस घर से निकल जाए। राज और रानी के प्यार में कोई कमी नहीं है, तो फिर उनके सुख और शांति में भी देखना आप कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। आपको पता है, पति की कमाई औरत के लिए एक गुरूर होती है, लेकिन ये आरती इसी गुरूर में अंधी हो गई वो लड़की। अरे इतनी गिर गई थी वो कि मनोज और राज के खाने में भेद करने लगी थी जी। मैं देखती थी अपनी आंखों से मेरे बच्चे को सूखी रोटियां खिलाती थी वो, कलेजा जाता था मेरा। मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर मुझसे ज्यादा समझ है, आपको पता है जब राज रानी घर छोड़कर जा रहे थे ना, तो मेरा तो दिल किया कि हम दोनों भी इनके साथ चले जाएं, क्योंकि उनके बगैर अब इस घर में हमारे लिए रह क्या गया है जी। फिर मैंने सोचा कि अगर हम दोनों उनके साथ चले गए तो उनकी तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। राज के पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, पहले वो अपनी नौकरी ढूंढेगा, हम बिलावजह उस पर बोझ बन जाएंगे। सुनिए जी, आपने तो मुझे माफ कर दिया। क्या कह रही हो सुरेखा? मेरा राज मुझे माफ करेगा ना? नहीं, वो अपने दिल में अपनी माँ के लिए कोई मैल तो नहीं रखेगा ना जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चिंता मत करो, राज के दिल में वैसे भी कोई मैल नहीं है, और उसे तुम्हारी डांट में भी अपनी माँ की ममता की झलक जरूर दिखाई दे। भगवान करे सब ठीक हो जाए। सब ठीक होगा ही जी, मेरे बच्चे के साथ उसकी माँ का आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है। बल्कि जी, अब तो मैं भगवान से दिन रात यही दुआ मांगूंगी कि भगवान मेरे बच्चे को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। भगवान मेरे राज और रानी को बेशुमार खुशियां मिले। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम।